बिब्बो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ दादी माँ मुझसे ना ये सब देखा नहीं जाता पता माना मैं कायरा की माँ नहीं हूँ लेकिन उसकी माँ जैसी तो हूँ ना उसे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने बहुत दुख होता है ये सब देख वो क्या हुआ आपकी एक्चुअली जब मैं मुझे 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 सर्दी हो गई थी और बियान ने आके मुझे बचाया मैं मरते मरते बच गई दीमा मुझे लगता है हमें चाची माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए जाकर उनसे बात करता हूँ हाँ वीरू हरप्रीत को दिखा लो कायरा बेटा अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही निकल जानी थी तो ठीक है ना अभी आप फिक्र मत कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हें तो ठीक होना ही था बेटा क्योंकि कल का दिन सुहागन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है कल क्या है कल करवा चौथ का दिन है कर ले जितना करवा चौथ करना है कायरा कर ले इससे तेरे पति विहान की जिंदगी नहीं बचने वाली क्योंकि माता बंगारू ने कहा है कि कल की रात विहान की आखिरी रात होने वाली है क्या मुसीबत है करवा चौथ वो गॉड ये सब क्या है पति परमेश्वर के लिए पति को भूखा रहना पड़ता है और पति मजे से बैठकर खाना खाए दिस इज नॉट फेयर यार हां हां मैं जानती हूं बेटा आजकल की जनरेशन की लड़कियों को तो पुराने परंपराएं धक्केनुसी मालूम होती है ना लेकिन हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है और इसके पीछे भी एक वजह है करवा चौथ हर औरत की उस शक्ति के बारे में है जो उसके अस्तित्व का एक हिस्सा है और करवा चौथ के दिन हर औरत उस शक्ति को महसूस करती है वैसे हर औरत को ये शक्ति उसके जन्म से ही मिलती है वो औरत ही थी यमराज से भिड़ गई और अपनी शक्ति से अपने पति के प्राण वापस ले आई रियली कौन थी वो सावित्री पहले भी तो बताया था ना उसके बारे में ओह यार एक्चुअली क्या है ना मैंने करवा चौथ का इतना गहरा मतलब कभी नहीं जाना एक्चुअली आज तक किसी ने मुझे बताया ही नहीं कोई बात वैसे अगर तुम ये व्रत ना रखना चाहो तुम्हारी मर्जी तुम रखोगी व्रत तो मुझे अच्छा लगेगा रहने दो माँ मुझे नहीं लगता इससे ये करवा चौथ का व्रत होगा क्यों मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये आसान व्रत नहीं है कायरा क्यों इसमें इतना क्या डिफिकल्ट है बताइए मुझे मुश्किल खाना तो दूर एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते पूरा दिन बिना जल के रहना पड़ता है अच्छे से तैयार होना पड़ता है पूजा करनी पड़ती है मुझे नहीं लगता कि ये सब तुम कर पाओगी आरुषि जैसी सहन शक्ति कहाँ है तुम्हें है ना माँ तुम्हें क्या लगता है हम लोग ऐसे ही दिन रात उसके बारे में बातें करते रहते उसमें एक शक्ति थी जो एक औरत के अस्तित्व का आधार है
प्लीज आप तो रहने दो, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी और आपका तो कोई हक नहीं बनता कि आप इसे फोर्स करो, प्लीज। हाँ चलिए एक मिनट, मैं ये व्रत करूंगी, मैं कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती तो वो तो मैं पहले करूं। तो तुमने पक्का सोच लिया है ना? सोच लिया, मैं प्रूव करके रहूंगी कि मैं ये व्रत कर सकती। मैं भी देखती हूँ कि तुम करवा चौथ का व्रत कैसे रखती हो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। सब भूलते हैं, सबके साथ ऐसा होता होगा, तू भी तो भूलता है कि नहीं? तू नहीं भूलता कुछ? माना कि मेरे साथ कुछ ज्यादा होता है, लेकिन ठीक है ना चाची माँ, बात इतनी सीधी नहीं है। चाची माँ समझने की कोशिश कीजिए, आज जो हुआ वो डेंजरस था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। चाची माँ, घर में बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं, और बात कायरा की नहीं है चाची माँ, बात हम सब की है, आपकी भी। अगर आपके साथ कुछ हो, देखिए चाची माँ, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर इस घर में किसी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो, और कुछ नहीं। आप हमेशा से अपनी भूलने की बीमारी को नजरअंदाज करती आई, अब और नहीं चाची माँ प्लीज। मुझे भी लगती है कि इस भुलक्कड़ को अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए, इससे पहले कि हम में से किसी को यमराज के पास पहुंचा दे। ताई माँ, दीदी आप बीच में मत बोलिए, वरना वरना क्या क्या कर लेगा तू? हाँ ताई माँ, चाची माँ रहने दीजिए ना। छड्डो जी, पुत्र तू है ना, अपनी उस बीवी के आगे पीछे घूम, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं एक काम करती हूँ, अपनी बहन के पास अमृतसर चली जाती हूँ। आप सबसे दूर रहूंगी कुछ दिन तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अरे लेकिन अमृतसर क्यों चाची माँ? ये हुई ना बात, अब कम से कम कुछ दिन तो इस घर में शांति रहेगा, बहुत मजा आएगी। चाची माँ आप बस, चाची माँ प्लीज पुत्र ऐसे मत रो, कुछ जाने दे। हरप्रीत, जाना है तो सीधा सीधा चला जाना, इतना भरतनाट्यम करने का क्या जरूरत है? और सुन, अपना पागलपन पूरा तरीके से ठीक करके आना, ठीक ना हो ना तो वापस आने का जरूरत नहीं है, वहीं रह जाना। ताई माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। चाची माँ, आप तो मेरी जिंदा दिल माँ है, आप ही से तो मैंने हंसना सीखा है। आप अपनी मुस्कुराहट खो दोगी तो कैसे चलेगा? ये आंसू पोंछे और आप कहीं नहीं जा रही, एंड दैट्स फाइन। विहान सही कह रहा है चीची माँ। आई मीन चाची माँ, हमदर्दी मत जता मेरे साथ। मैंने पता है विहान ठीक कह रहा है, पुत्र है मेरा, ठीक ही होगा, तू चुप रह। ठीक है, चाची माँ ये कायरा को देखते ही आपके अंदर जो आग भड़क उठती है ना, इसे मैं हमेशा देखना चाहता हूँ, इसे कभी मत भूलिएगा। देख लेना पुत्र, अमृतसर जाके मैं ऐसे ठीक होकर आऊंगी, ऐसे ठीक होकर आऊंगी कि इस नकचड़ी बहू को देख लेना मैंने। एग्जैक्टली चाची माँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए अमृतसर जाने की क्या जरूरत है, ये तो अभी क्या भी हो सकता है। ए देख लड़की, कहाँ देखू? अरे तू क्या देखेगी, मैं ही दिखाती हूँ क्या होती है खतरनाक सास। इस बंद दिमाग की खिड़की खोल दूंगी ना तो समझ में आएगा बहू होने का मतलब। Exactly, चाची माँ दिखा दीजिए ये आजकल की लड़कियों को। बोलो बोलो। लेकिन पुत्र फिलहाल मैं जाने दे, पुत्र यहाँ रह के मैं ठीक नहीं हो सकती, समझ मेरी बात को प्लीज।
बात नहीं मानेगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, सारथी आपके साथ जाए और इस पर कोई बहस नहीं होगी चाची। ठीक है, अमृतसर की ट्रेन 3 घंटे में निकलने वाली है, मुझे स्टेशन छोड़ा पड़ता है। अब रहने दीजिए ना चाची माँ, एक तो घर में इतने खर्चे हो रहे हैं, ऊपर से आपकी टिकट का पैसा तो कहाँ से लाएंगे, आप सोचिए ना थोड़ा प्लीज। देर को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने पैसे बचा के रखे हैं मैंने, समझ गई? चल पुत्र, और देख यही इंतजार करना मेरा, वापस आते बिल्ली की तरह खूंटे से बांध दूंगी, याद रखना। चल पुत्र। सॉरी चाची माँ, मैं नहीं चाहती थी कि आप अमृतसर रोते हुए जाएं, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। मैं चाहती थी कि मेरी फर्स्ट करवा चौथ सारी सासों के साथ हो। आई मिस यू चाची माँ। आई होप मेरे जाने से पहले आप वापस आ जाओ। व्हाट इज दिस सरगी, तुझे भी नहीं पता? अरे तो पता करके बताना यार, मुझे वो करवा चौथ का व्रत रखना है। या प्लीज लेट मी नो। सर की ये लो बेटा, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये क्या है दादी माँ? ये है बया, इसमें प्रथा के अनुसार गीली मिट्टी, चूड़ी, साड़ी ये सब चीजें होती हैं, जो एक सुहागन को उसकी सास देती है करवा चौथ के मौके पर। इसीलिए तो मैं लाई हूँ, मैं भी तो तेरी दादी सास हूँ ना। और सरगी वो होती है जो सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले खाना होता है, जो हर सास अपनी बहू के लिए बनाती है, और मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए खीर और बाकी सब जो भी तुम चाहो खा सकती हो, क्योंकि फिर सूरज निकलने के बाद से चांद निकलने तक पानी भी नहीं पी सकते। OMG, ये फास्ट तो एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह लग रहा है। हाँ तो है ना, करवा चौथ के दिन हर सुहागन अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, और यही इस व्रत की शक्ति है। ओके। ये तो बहुत प्रिटी साड़ी है। अच्छी लगी? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पहले करवा चौथ के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, देखते कौन जीतता है। दादी माँ, हमें तो इतने सालों में एक रुमाल नहीं दिया और इसे साड़ी। मैं भी देखती हूँ तुम ये साड़ी कैसे पहनती हो। तर मंतर गिल गिली 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 इस पर पूरी रात क्रिया करनी होगी और कल का पूरा दिन इस पर क्रिया चलेगी, और उसके बाद मैं जो चाहूंगी कर सकती हूँ वियान के साथ।
जा, आज रात एक नमूना देख ले। करवा चौथ तुम करोगी? Are you out of your mind? हाँ वो actually कोई जरूरत नहीं है सब करने की। सामान दादी माँ को वापस भेज दो। एक मिनट, मैं ये कर रही हूँ, उससे तुम्हें क्या? मुझे क्या मतलब? तुम जानती नहीं करवा चौथ क्यों किया जाता है? हाँ पर मिनिमल मुझे चैलेंज किया कि मैं ये व्रत नहीं कर सकती, और मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ये व्रत कर सकती हूँ। बच्ची नहीं हूँ मैं, मेरे अंदर भी शक्ति है। Don't believe this. वो करना है करो, लेकिन सुनो, भूखे रहने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं सह पाओगी। जब भूख लगे तो खाना खा लेना, ठीक है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच की बात है, समझ गई? इसका मतलब तुम मुझे चीटिंग करने के लिए कह रहे हो? Obviously, कायरा, क्या तुम भूल रही हो ये किस तरह की शादी है? It's a temporary marriage. तुम खाओ ना खाओ, व्रत करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I know, पर मैं ये व्रत प्रॉपर तरीके से करने वाली हूँ, और तुम भी एक अच्छे पति की तरह आओगे और प्रॉपर तरीके से पूजा करोगे, समझे? I mean, प्लीज आ जाना। मुझे मिनी माँ को ये साबित करना है कि मैं कमजोर लड़की नहीं, बहुत पावरफुल लड़की हूँ। प्लीज हेल्प मी विद दिस चैलेंज, प्लीज। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और तुम भी रहने ही दो, बिकॉज फ्रैंकली तुम ये नहीं कर पाओगे। जस्ट लेट इट बी, ओके? हाउ डेयर ही, ऐसे कैसे कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी? तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तो ये व्रत करके रहूंगी। आ गया, ठीक है। माता जी, अगर आप इतना कुछ कर सकती है तो खत्म कर दो क्या? अभी जान ले सको, इतनी शक्ति नहीं है इस पुतले में, क्योंकि जान लेने तक की शक्ति के लिए आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन प्रक्रिया करनी होगी। जी माता बंगाल, आपकी जय हो।
से एक बार विहान मर गया ना, फिर तो कायरा अपने आप मेरे कब्जे में आ गया। दादी माँ ने कहा है कि करवा चौथ के व्रत में बहुत शक्ति होती है। मैं ये व्रत रखूंगी, अपने लिए नहीं, ध्यान के लिए। मेरी माँ आप देख लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस व्रत में बहुत शक्ति होती है, मेरे अंदर भी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति।